सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र में यूं तो हिंदुओं के कई त्योहार अलग अंदाज में मनाए जाते हैं, मगर क्षेत्र में मनाए जाने वाले गुग्गा दल पर भक्तों द्वारा खुद को लोहे की जंजीरों से पीटे जाने की परंपरा काफी खतरनाक व रोमांचक समझी जाती है। क्षेत्र के सैकड़ों गांवों में शनिवार व रविवार को गुग्गा बल अथवा गुग्गा नवमी उत्सव पारंपरिक अंदाज में मनाया गया। सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र में यूं तो हिंदुओं के कई त्योहार अलग अंदाज में मनाए जाते हैं, मगर क्षेत्र में मनाई जाने वाली गुग्गा बल पर भक्तों द्वारा खुद को लोहे की जंजीरों से पीटे जाने की परंपरा काफी खतरनाक व रोमांचक समझी जाती है। क्षेत्र के सैकड़ों गांवों में शनिवार व रविवार को गुग्गा बल अथवा गुग्गा नवमी उत्सव पारंपरिक अंदाज में मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात माड़ी कहलाने वाले एक मंजिला गुग्गा मंदिरों में पारंपरिक भक्ति गीतों के साथ शुरू हुआ। उक्त पर्व रविवार सायं तक चला। करीब 2.5 लाख की आबादी वाले गिरिपार के उपमंडल संगड़ाह सिलाई व राजगढ़ की 130 के करीब पंचायतों में देवभूमि हिमाचल के इस अनूठे धार्मिक उत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान क्षेत्र के लगभग सभी बड़े गांव में 2 दर्जन के करीब गुग्गा भक्त अथवा श्रद्धालु खुद को लोहे की जंजीरों से पीटते हैं। लोहे की जंजीरों से बने गुग्गा पीर के अस्त्र समझे जाने वाले कोरड़े का वजन आमतौर पर 2 किलो से 10 किलोग्राम तक होता है, जिसे आग अथवा धुएं में गर्म करने के बाद श्रद्धालु इससे खुद पर दर्जनों बार करते हैं। गुग्गा बल शुरू होने पर गारुड़ी कहलाने वाले पारंपरिक लोक गायकों द्वारा छड़ियों से बजाने वाले विशेष डमरों की ताल पर गुग्गा पीर शिरगुल देवता रामायण व महाभारत आदि वीर गाथाओं का गायन किया जाता है। गुग्गा पीर स्तुति अथवा शौर्य गान शुरू होते ही भक्त खुद को जंजीरों से पीटना शुरू कर देते हैं तथा इस दौरान कई भक्त लहूलुहान अथवा घायल भी होते देखे जाते हैं। गुग्गा बल गिरिपार का एकमात्र त्योहार जो जातिगत बंधनों से ऊपर उठकर मनाया जाता है तथा रोट कहलाने वाले देवता का प्रसाद स्वर्ण व हरिजनों में बराबर बिना छुआछूत व भेदभाव के बांटा जाता है। लोक कथा के मुताबिक बागड़ राजस्थान के गुग्गा महाराजा द्वारा शिरगुल देवता की दिल्ली की मुगल सल्तनत की कैद से आजाद करवाया गया था। हर साल इस मेले को मनाया जाता है। गुग्गा महाराज का मेला है, जन्माष्टमी के दूसरे दिन इसको मनाया जाता है। और इसके जो है ना, जिस दिन गुग्गा महाराज आते हैं उस दिन हमारे यहाँ हर गांव में हर घरों घरों में जो एक उसकी क्या नाम वो लगाई जाती है, हर घर में इसे लगाई जाती है। और इस मेले को हमारे यहाँ आज से नहीं सदियों से माना जाता है। जब गुग्गा महाराज खेलते हैं तो इसका जो करोड़ा है वो उसमें धुने में डालते हैं और धुने में डाल के जो है ना लोग उससे खेलते हैं और जिनकी अपनी छड़ी है वो छड़ी भी वहां ले जाते हैं। और ये जो त्यौहार है हिंदू मुसलमान का, ये सबका त्यौहार है। इसको हर 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 जाति इसको मनाते हैं, हर जाति से इसको जो है ना देवते को इसको गुग्गा महाराज को लोग मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त एंकर महेंद्र हाबी, और सबसे पहले मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के नवयुवक मंडल को, जिन्होंने एक परंपरा से भरा एक पारंपरिक इस विधा को, इस गाथा को जिंदा रखा है। आप सभी को पुनः गुग्गा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयां, और मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के जो आयोजन हमारी जो विधाएं हैं जो लुप्त हो रही है, कृपा करें कि सरकार इसके लिए कुछ कदम उठाएं ताकि हमारी ये परंपरा जिंदा रह सके। और साथ में मैं हमारे जो नौजवान हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप बढ़ चढ़ करके हमारी जो पुरानी संस्कृति है, पुरानी जो संस्कृति है उसे जिंदा रखने के लिए भरकम प्रयास करें, ऐसी मैं आशा रखता हूं। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपका अपना रविंद्र चौहान, सिरमौरी लोक गायक। जैसा कि आप जानते हैं, आज देवामानल सतीबाग में हमारा कार्यक्रम था जो कि गुग्गा नवमी के उपलक्ष्य में मनाया गया, और हर साल ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये जो त्यौहार है ये जन्माष्टमी के दूसरे दिन मनाया जाता है, और जो गुग्गा महाराज हमारे इष्ट देवता है उनके जन्मोत्सव पर ये त्यौहार मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति इस बार भी जो हमारे नवयुवक मंडल देवामानल सतीबाग है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आयोजन किया था, और ऐसे कार्यक्रमों से हमारी जो संस्कृति है, पौराणिक कथाएँ हैं, जो पौराणिक हमारी लोक गाथाएं हैं, उनको सोच देखने सुनने और उनका सामना करने का एक सुअवसर प्रदान होता है। और मैं भविष्य में भी नवयुवक मंडल से ऐसी कामना करता हूं कि वो ऐसे कार्यक्रम आगे भी आयोजित